Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. बाहुबली जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले डायरेक्टर राजामौली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म RRR को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में साउथ के दो सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में एक अहम किरदार के लिए पिछले दिनों अजय देवगन को अप्रोच किया गया था। राजामौली चाहते थे कि अजय इस किरदार को निभाएं, लेकिन एक्टर ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। अजय देवगन और काजोल ने मिलकर तमिल ब्लॉकबस्टर मक्खी के हिंदी रीमेक में अपनी आवाज दी थी, जो कि राजामौली की फिल्म थी। रिपोर्ट्स की माने तो राजामौली ने इसी रिश्ते के कारण अजय देवगन को अपनी अपकमिंग फिल्म में एक खास किरदार ऑफर किया। अजय देवगन ने ऐसा क्यों किया है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने बिजी शेड्यूल के चलते ऐसा किया है। अजय देवगन के पास इस समय एक से बढ़कर एक फिल्में हैं, जिस कारण वो कोई नई फिल्म नहीं साइन कर सकते। अजय देवगन अब तक साउथ की दो फिल्मों के ऑफर को ठुकरा चुके हैं। इससे पहले उन्हें कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 का ऑफर मिला था, जिसे भी उन्होंने ठुकरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज़, प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।